जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। हम यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं पुणे। आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत रहेगा। हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर पूरी हाई लेवल तक, RS और IS लेवल तक आपकी हमें रीजनिंग कवर करेंगे। प्रत्येक टॉपिक रीजनिंग के जितने भी 30 टॉपिक है 30 32 जितने भी टॉपिक है, ऑल एग्जाम को हम कवर करेंगे। ये रीजनिंग का आप पूरी देख लेना, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे एग्जाम आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद बुक से प्रैक्टिस करें। तो आज हम सबसे पहला अपना टॉपिक है वो है रक्त संबंध, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स देखना है कि भाई मुझे पूरा रीजनिंग का कोर्स देखना है, प्रत्येक कोर्स में प्रत्येक यहाँ पर टॉपिक की मात्र 1-1.5 घंटे की हमने क्लास लगाई है, ज्यादा लंबी भी नहीं लगाई है और पूरा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है अच्छे ढंग से। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा कोर्स देखने के लिए अपना जो एप्लीकेशन है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अपने ऐप के ऊपर आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स वहां पर मिल जाएगा, वहां से आप देख भी सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब ये क्लास आप देख सकते हैं, इस क्लास में हम देखेंगे रक्त संबंध। देखो सबसे पहले आपको क्लास को देखना कैसे है, सबसे पहले आपको मोबाइल को इस प्रकार से फुल स्क्रीन पर कर लेना है, मोबाइल आपका फुल स्क्रीन पर इस प्रकार से होना चाहिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। दूसरी बात, आपको जो मोबाइल की क्वालिटी है, इसके अंदर जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है, वो आपको कर लेना है 480:720, यानी कि 480:720 यानी ज्यादा क्वालिटी में आपको देखना है। यदि आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो रक्त संबंध, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको तीन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न पर ले चलूंगा और मैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है लिंग, क्या ध्यान रखना है, लिंग यानी जेंडर, जेंडर कैसे, जैसे पुरुष है या महिला है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है रक्त संबंध में, कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है वो पुरुष है या महिला है। यदि पुरुष है तो आपको प्लस के चिन्ह से दर्शाना है, किसे दर्शाना है, प्लस का चिन्ह, यदि महिला है तो उसको माइनस से दर्शाना है, ध्यान रखना महिला को माइनस से। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है पीडी के संबंध में, कि भाई पीडी के संबंध में कैसे गुरुजी, जैसे भाई और बहन, भाई और बहन एक ही पीडी में होते हैं, तो भाई और बहन के बीच में आपको कोमा लगाना है, क्या लगाना है, कोमा लगाना है, कोमा लगाने से आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में संबंध किसका है, भाई और बहन का है। यदि प्लस लगाओ तो पता चल जाएगा दोनों पुरुष है, माइनस लगाओ तो पता चल जाएगा हमें महिला है। दूसरा पति और पत्नी, पति और पत्नी के बीच इस प्रकार से एरो लगाना है, ये तीर का निशान हमें लगाना है, ये आप नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा, उतना रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप दूसरा चिन्ह भी याद रख सकते हो। तीसरी बात है इसमें, पहली पीढ़ी ऊपर आएगी और दूसरी पीढ़ी नीचे, तीसरी पीढ़ी उसके नीचे आएगी। अब देखो मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कोई पुरुष है, जैसे पहला हम यहां पर लाइन समझते हैं लिंग जेंडर वाली, जैसे ए यहाँ पर पुरुष है तो ए के ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है, बी बी मान लो महिला है तो बी के ऊपर इस प्रकार से माइनस लगा देंगे। अब मैं आपको पूछूंगा कि ए कौन है, तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस लगा इसका मतलब महिला है, माइनस लगा इसका मतलब, प्लस लगा इसको मतलब पुरुष है और माइनस लगा इसका मतलब महिला है। अब यहाँ पर देखो भाई ए और बी, ये तो हमें पता चल गया कि पुरुष है और महिला है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो ये दूसरी लाइन आपको ध्यान रखना है संबंध वाली। यदि इनके बीच में इस प्रकार से कोमा लगा हो, यदि मैं इस दोनों के बीच में कोमा लगा दूं तो आप आसानी से पहचान लोगे कि ये दोनों भाई और बहन है, कौन है, भाई और बहन। यदि इन दोनों के बीच इस प्रकार का एरो लगा हो, तीर का निशान लगा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों पति और पत्नी है, पति और पत्नी है, ठीक है। अब पहले वाली पीढ़ी, ये पहले वाली पीढ़ी हो गई मान लो, इसके नीचे आ जाएगी सी और डी, यानी कि ये दूसरी पीढ़ी हो गई, यानी दूसरी पीढ़ी नीचे आएगी, पहली पीढ़ी ऊपर, जैसे आपके दादाजी है, दादाजी वाली पीढ़ी आपके ऊपर आएगी, उसके बाद आपके पिताजी वाली पीढ़ी आएगी, उसके नीचे फिर आप वाली पीढ़ी आएगी, आपके जो बच्चे होंगे उनकी पीढ़ी आपके नीचे आएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या आप यहां से लिख लें, नोट कर लें। जिसको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है वो मोबाइल को फुल स्क्रीन में कर लें और पूरी क्वालिटी में आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो जल्दी डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़े, जिसको आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दे। प्रश्न है कि के एस की बहन है, ध्यान रखना के एस की बहन है, एस की शादी एम से हुई है, एम आर का पिता है, क्यू पी का बेटा है, एस की एस पी की सास है, एम का ए की बेटा है, के का विवाह टी से हुआ है, एन के की बेटी है। तो प्रश्न हमें ये पूछा गया है इसको पढ़ने के बाद कि पी एम से कैसे संबंधित है, यानी पी का एम से क्या संबंध होगा, ये पूछा गया है। अब देखो इसको हल करते हैं। मैंने आपको बताया था यदि ऐसे प्रश्न आते हैं रक्त संबंध वाले, तो इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सबसे पहली लाइन देखो, के एस की बहन है, एस की बहन कौन है दोस्तों, के है। अब देखो एस की बहन के है, यानी के का तो हमें पता है, के तो क्या है, बहन है, यानी ये लड़की है, तो इसके ऊपर हमें माइनस लगा देना है। लेकिन एस का नहीं पता कि एस महिला है या पुरुष है। देखो अगली लाइन देखते हैं, एस की शादी एम से हो गई। अब एस की शादी किससे हो गई, एम से हो गई, ये लो एम से हो गई। एस की शादी किससे हो गई, एम से हो गई। एम आर का पिता है, एम क्या है, पिता है, यानी पुरुष है, तो इसको प्लस लगा दो। किसका पिता है, आर का, तो आर का पिता है, तो आर नीचे वाली पीढ़ी में चला जाएगा, क्योंकि ये इसका पिता है, तो मैंने बताया था पिता ऊपर वाली पीढ़ी में और बेटा नीचे वाली पीढ़ी में, तो एम के नीचे आर आ जाएगा, आर का पिता है ऑन एम, लेकिन आर का हमें पता नहीं है महिला या पुरुष है। क्यू पी का बेटा है, क्यू है वो बेटा है पी का, पी का बेटा कौन है, क्यू है, तो इसको साइड में रख लेते हैं अभी, क्यू और पी यहां बीच में नहीं आया है। एस पी की सास है, एस ये किसकी सास है, पी की, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा, ये वहां पर आ जाएगा पी, तो पी की सास एस है, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये भी सास है तो महिला हो गई और पी की सास है, और हमें पता चल गया कि पी का बेटा कौन है, क्यू, तो इस पी का बेटा क्यू, हमने पहले ही देख लिया था यहां पर क्यू है वो पी का बेटा है, ये ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों तो भाई बहन है आपस में, क्या है दोनों भाई बहन है, और एम और एस का क्या संबंध है, देखो एम और एस का, एस की शादी एम से हुई है, तो यदि दोनों पति पत्नी है, शादी हुई है तो पति पत्नी हो गए, तो इनके बीच में एरो आ जाएगा, ये चीज लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये भाई बहन है और ये पति पत्नी है। तो देखो ये इसकी पत्नी है, एम की पत्नी एस है, हमने पढ़ा कि एम के क्या है आर, एम का आर से क्या संबंध था, एम आर का पिता है, यानी आर है वो इसका बेटा या बेटी है, पी यानी क्यू पी का बेटा है, क्यू किसका बेटा है, पी का, एस पी की सास है, पी की सास कौन है, एस है, तो यहां पर हमें पता चल गया। अब देखो एम का एक ही बेटा है, एम का बेटा एक ही है, यानी वो आर है, और कोई इसकी संतान है नहीं है, एम का एक ही बेटा है, ठीक है। अब यहां पर देखो के का विवाह टी से हुआ है, इस के का विवाह किसे हो गया, इसका विवाह टी से हुआ है, किससे हुआ है, टी, ये माइनस है यानी महिला है, तो ये पुरुष हो गया टी। एन के की बेटी है, के की बेटी कौन है, एन, ये एन हो गई। तो पी एम से कैसे संबंधित है, देखो पी का एम से क्या संबंध है, अब यहां पर यानी इस एम का संबंध पूछा गया इस पी से, इन दोनों का संबंध हमें बताना है। अब देखो ये दोनों पति पत्नी है, ये इसका क्या है, इसका एक ही बेटा है, कौन है, आर, और इसकी ये क्या हो गई, फिर ये इसकी क्या हो गई, पी, ये इसकी पत्नी हो गई, क्योंकि ये इसकी सास है, अरे ये इसकी सास है इसकी, तो ये पति हो गई, तो ये पति पत्नी दोनों हो गए, तो ये इसका बेटा है, तो बेटे की जो पत्नी है वो इसकी क्या हो जाएगी, पुत्र वधु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुत्र वधु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र वधु हो जाएगा। समझ में आया होगा, यहां पर वापस बता देता हूं मैं एक बार, एम की एस से शादी हो चुकी है, एम और एस दोनों पति पत्नी है, एम का एक ही बेटा है वो आर है, ठीक है, पी की जो सास है वो एस है, यानी इसका एक ही बेटा है आर है, ये इसकी सास है, तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो यहां पर पूछा गया एम का पी से संबंध, तो एम के लिए ये पुत्र वधु हुई और बेटे की पत्नी हुई पुत्र वधु, तो ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का राइट हुआ कमेंट करके बताएं, देखें, हाँ बिल्कुल एक बार आप लिख भी सकते हैं, कोई नहीं, पहला प्रश्न था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बाकी हम ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, यदि आपको आंसर आ रहा है तो बताएं आप, के एस की बहन है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहले आपको ये डायग्राम ही बनाना है, ध्यान रखना
ताकि आपका आधा प्रश्न पहले ही सोल्व हो जाएगा। देखो के एस की बहन है, वही प्रश्न है, प्रश्न में कोई चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत अलग पूछ लिया गया है, डायग्राम वही बनेगा, फिर भी हम बढ़ा लेते हैं। के किसकी बहन है, एस की, ये एस, एस की बहन है के, ठीक है, बहन है, सिस्टर है, महिला है, तो इस पर माइनस आ जाएगा। एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी किसके साथ हो गई है, एम के साथ, ठीक है, अभी पता नहीं है ये स्त्री या पुरुष है, महिला है पुरुष, इनमें से कोई है वो हमें कुछ नहीं पता। एम आर का पिता है, ये पिता है यानी ये पुरुष है, प्लस हो जाएगा ये, इसका मतलब महिला ही है। आर का पिता है, किसका पिता है, आर का, ये इसका क्या है, या तो लड़का है या लड़की है। क्यू पी का बेटा है, तो क्यू क्या है, पी का बेटा, पी का बेटा कौन है, क्यू, इसको साइड में रख लेते हैं अभी, यहां पर क्यू और पी कहीं आया नहीं है। एस पी की सास है, एस, ये एस रही, ये किसकी सास है, पी की, तो सास यानी बहू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली पेटी में, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं एम का एक ही बेटा है, एम का ये आर क्या है, बेटा है, यानी एक ही बेटा है, और ये इसकी सास हो गई, ये इसकी क्या हो गई, सास हो गई, यानी ये दोनों पति पत्नी है, इसकी सास हो गई, एक ही बेटा है तो ये इसकी पत्नी हो गई, ठीक है। आर की कौन हो गई, पी, पत्नी हो गई, और कोई बेटा नहीं है। के का विवाह टी से हुआ है, इस के का विवाह हो गया भाई टी से, किससे हो गया है, टी से हो गया है। एन के की बेटी है, के की बेटी कौन है, के की बेटी एन है, ये एन बेटी है। प्रश्न में पूछा गया है कि के आर से कैसे संबंधित है, यानी के का इस आर से क्या संबंध है, ये देखो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। अब बताओ देगा आंसर, ऑप्शन है आपके सामने माता बहन चाची या मौसी, चाची को मौसी भी बोल सकते हो, कोई दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या पुत्र वधु। अब देखो ये दोनों आपस में क्या थी, बहनें थी, ठीक है, ये बहन का क्या हो गया, पति हो गया, बहन का क्या हो गया, पति हो गया, ये उसका क्या हो गया, लड़का हो गया। तो अब देखो पूछा गया के आर से कैसे संबंधित है, तो आर के लिए के क्या हुई, या तो मौसी हुई, या इसे हम चाची भी बोल सकते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मौसी या चाची, इसका संबंध कैसे हुआ। अरे आप सोचो, आप खुद के ऊपर देख लो कि आपकी चाची या मौसी कौन होगी, और आपकी मासी कौन होगी, जो आपकी माता है, आपकी माता की जो बहन होगी, क्यों, क्योंकि ये आर है, ये आर मैं हूं, मेरे पिता है, मेरी माता है, ये मेरी माता की बहन है, के, तो मेरी माता की बहन मेरे क्या हुई, ये आर, आर का संबंध पूछा गया। मैं मान लो आर हूं, मैं खुद के ऊपर लेकर देख लेता हूं, आप खुद के ऊपर देखो, मैं आर हूं, ठीक है, मेरा नाम राजपाल है, मैं आर हूं, मेरे जो पिता है उनकी ये पत्नी यानी मेरी माता, मेरी माता की के क्या है, बहन है, इनका दोनों का संबंध एस और के का क्या है, दोनों बहन है, तो ये मेरी माता की बहन होगी, तो मेरी माता की बहन मेरी क्या हुई, मासी हुई, मौसी हुई, तो ठीक है, मौसी या चाची भी ऑप्शन मिल सकता है, तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये एक बार आप नोट भी कर सकते हैं, यदि आपको समझ में आया तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो साथी लेट जुड़े एक बार क्लास को फुल क्वालिटी में आप देखें, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न के अनुसार हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पहला पूछा गया है कि एस यू की बेटी है, यहां पर बना लेता हूं मैं, इस यू की बेटी कौन है, एस है, लड़की है, महिला है, तो माइनस कर देता हूं, यू का कुछ पता नहीं है भाई, महिला है या पुरुष है। वी के केवल दो बच्चे हैं, ये वी है, इस वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई कौन है, दो बच्चे हैं, एक का नाम एस है, दूसरे का वाई है, ठीक है, ये मैं यहां पर लिख लेता हूं। यहां पर देखिए पी बी का भाई है, पी, ये पी है, ये भाई है, क्या है, भाई है बी का, या इधर लिख लो, बी का भाई कौन है, पी। वाई का विवाह डी से होता है, इस वाई का विवाह हो जाता है डी से, ठीक है, डी से विवाह होता है। वी की केवल दो बेटियां है, इस वी की दो बेटियां है, यानी एक तो एस हो गई और एक वाई हो गई, यानी कि ये वाई क्या है, महिला है, तो इसका ये क्या है, ये पति पत्नी है, तो इसका मतलब ये हो गया पुरुष। वाई का विवाह डी से होता है। वी की केवल दो बेटियां है, जे यू की माँ है, इस यू की माँ, इसकी माँ ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी भाई, ध्यान रखना, इसकी माँ इसकी ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी,
इसकी माँ है जे, कौन है जे, ये इसकी माँ है, माइनस कर लो, ठीक है। पी का विवाह एस से होता है, इस पी का विवाह हो जाता है एस से, ये दोनों पति पत्नी हो गए, पी और बी, ये दोनों क्या हो गए आपस में, पति पत्नी हो गए, पी और एस, इसका विवाह एस से हो जाता है। जे का विवाह एल से होता है, इस जे का विवाह, ये रहा जे, इस जे का विवाह एल से हो जाता है, ये एल से हो गया, और ये इसकी क्या है, बेटी है। अब देखो वी टी का पुत्र है, वी, ये वी किसका पुत्र है, टी का, यानी ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएगी इसकी, टी का पुत्र है, यानी महिला है या पुरुष है वो नहीं पता, वी है वो टी का पुत्र है, इतना पता है। प्रश्न पूछा गया कि यू का पिता कौन है, दोस्तों यू कहां पर है, यू को ढूंढो, ये रहा यू गुरुजी, ये यू, इस यू का पिता कौन होगा, पिता मैंने बताया कि ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, मेरा पिता मेरे ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, मेरा दादा मेरे पिता की ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, तो इस यू के ऊपर वाली पीढ़ी में जे है, तो जे इसकी माता है, हमें यदि माता पूछा जाता है तो जे हो जाता, पिता पूछा गया है तो पिता कौन है, यानी इस जे की पत्नी एल है, जे का पति एल है, यानी कि इस यू का पिता हो जाएगा एल, कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो एल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, एल आपका राइट आंसर है, समझ में आया होगा। अब यहां पर इसी प्रश्न में से मैं दो तीन प्रश्न और निकाल लेता हूं, आप देखना क्लास में। देखो अगला प्रश्न है कि बी की भाभी कौन है, बी की भाभी पूछी गई है, ये बी रही, इस बी की भाभी कौन है, देखो बी का भाई कौन है पहले ये पता करो, तो भाभी अपना भाई की पत्नी हो जाएगी, तो बी, इस बी का भाई पी है, और इस पी की पत्नी कौन है, एस है, कौन है, एस, तो बी की भाभी एस हो जाएगी, इसका आंसर एस हो जाएगा। एक प्रश्न और है यहाँ पर देखना, वी पी से कैसे संबंधित है, यानी इस वी का पी से क्या संबंध है, ये वीरा, इस वी का इस पी से क्या संबंध है, इस पी से, देखो इस वी की दो बेटियां हैं एस और वाई, ये देखो एस, ये एस यहां से हटा दो, एक ही बात है, ये एस और वाई, ई की इस वी की बेटी है एस, और इस एस की जो ये एस है, इस एस का पति है पी, यानी कि आप आपकी पत्नी, आपकी पत्नी के पिता आपके क्या हो जाएंगे, क्योंकि एस एस इसकी पत्नी है, और इसकी माता वी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ससुर, सॉरी माता नहीं पिता, यानी ये क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि वी के दो बेटियां हैं एस और वाई, इस एक बेटी का विवाह इसने पी से करवा दिया, दूसरी बेटी का विवाह उसने डी से करवा दिया, तो ये इसका क्या हो गया, जवाई हो गया, समझ सकते हो। और इस पी का जो ये एस है, इस ए का ये जो पिता है, ये क्या हो गया, ससुर हो गया, तो यहां से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। के जे का भाई है, दोस्तों ये के है, ये भाई है, भाई पर प्लस कर देते हैं जे का, ठीक है, यानी दोनों भाई है, जे की जे है वो वाई की माँ है, जे जे किसकी माँ है, ये माँ है, यानी ये महिला है, किसकी, वाई की, तो ये वाई आ गया, क्योंकि माँ है ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी, बेटी है या बेटा वो नीचे वाली पीढ़ी में, वाई टी की बहन है, देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोई अलग से नहीं बना रहा हूं, यहां से प्रश्न को रीड करके बना रहा हूं, वाई टी की बहन है, ये वाई रहा, ये बहन है किसकी, टी की, ये टी, टी की शादी क्यू से होती है, इस टी का विवाह करवा देते हैं इस क्यू से, ये करवा दिया भाई, टी की शादी क्यू से होती है, एस जे का पिता है, इस जे का, ये जे इसका पिता एस है, यानी पिता ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, तो ऊपर वाली पीढ़ी में आ गया, पिता कौन हो गया, एस, ये एस पिता हो गया। एस की केवल एक बेटी है, वो एक बेटी कौन है, जे है, ये केवल एक ही बेटी है, ठीक है, वो जे है, एस की केवल एक बेटी है, एस का विवाह आर से होता है, इस एस का विवाह आर से हो जाता है, ठीक है। के डी का भाई है, के किसका भाई है, ये के है, ये भाई है डी का, किसका भाई है दोस्तों, के डी का भाई है, ठीक है, और ये भी पुरुष ही हो गया, क्योंकि इसकी बेटी तो एक ही है, बाकी ये बेटा है, डी का भाई है, ये डी के है, वो डी का क्या है, भाई है, इस डी का भाई कौन है, के है,
यू डी का ससुर है, इस डी का ससुर, ससुर ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा, इसका ससुर कौन है, यू, ये यू। प्रश्न पूछा गया है डी का वाई से क्या संबंध है, इस डी का, इस डी का संबंध इस वाई से क्या है दोस्तों। अब देखो ये वाई है, ये जे है, तो ये इसकी क्या है, बेटी है, यानी कि ये इसकी क्या होगी, माता। इस माता का ये क्या है, भाई है डी। इस माता का ये एक ही पीढ़ी में है, यानी भाई बहन है या पति पत्नी है, तो इसका ये क्या हो गया, माता का भाई, आपकी माता का ये भाई आपके क्या लगेगा, मामा लगेगा, क्या लगेगा, मामा। और यदि आपको पूछे कि डी, इस डी के ये वाई क्या लगेगा, ये आपके लगेगी महिला है तो भांजी, क्या लगेगी, भांजी लगेगी, तो मामा और भांजी का ये रिश्ता हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी मामा भांजी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। तो डी वाई से कैसे संबंधित है, तो ये मामा है, क्या है, मामा जी है। तो इस समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको सेकंड टाइप, पहली टाइप हमने पूरी कर ली है, तीन चार प्रश्न हमने कर लिए, अब हम सेकंड टाइप पर चलते हैं। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है, उस टाइप में जो मैंने बताया था वो आपने ध्यान रखा, इस टाइप में क्या करना है, ए गुणा बी बराबर होता है ए बी का पिता है। कहने का मतलब क्या है, यदि आपको प्रश्न में इस क्रॉस का चिन्ह यदि दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है वो बी का पिता होगा, ए बी का क्या होगा, पिता होगा। दूसरा है ए यहां पर भाग का चिन्ह दे रखा है बी, इसका यदि ये चिन्ह आपको मिले तो इसका मतलब समझना कि ए है वो बी की पुत्री है, ए बी की क्या है, पुत्री है। यदि आपको प्लस का चिन्ह मिले बीच में तो इसका मतलब होगा ए है वो बी की बहन है, ए बी की क्या होगी, बहन होगी। यदि आपको माइनस का मिले तो इसका मतलब ए है वो बी का क्या है, पति है, क्या है, पति। प्रश्न यहां पर है एफ आर गुणा एच माइनस एल में एच का एल से क्या संबंध है, पूछा गया एच का एल से क्या संबंध है। अब एच यहां पर आपको दे रखा है चिन्ह आर, तो यहां पर आप में क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए बी की पुत्री है, यानी एफ आर की क्या है, पुत्री है। इस आर की पुत्री कौन है, एफ है, ये एफ आर की पुत्री है, ठीक है। अगला है यहां पर आर और एच के बीच में क्रॉस का चिन्ह है, यानी इसका मतलब हुआ कि R है वो H का पिता है, ठीक है। H का पिता कौन है, R है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला, H और L के बीच में माइनस का है, माइनस का मतलब हुआ कि दोनों क्या है, पति है, यानी H है वो L का पति है, किसका पति है, L का, इस L का पति H है। प्रश्न पूछा गया है कि H का F से क्या संबंध है, तो इस H का F से क्या हो जाएगा, तो ये इसका पिता है, इसका भी है और इसका भी है, तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, तो H इसका क्या हो जाएगा, H F का, तो H भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई। यदि आपको L और H का पूछे तो ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, यदि हमने ये चार चीजें याद कर ली, तो ये चारों चीजें आपको नोट करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप नोट कर ले एक बार, फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, जी क्रॉस टी, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जी है वो टी का पिता है, ये जी, ये पिता है टी का, किसका है, टी का। टी और क्यू के बीच में प्लस का आ रहा है, यानी मतलब क्या है कि टी क्यू की बहन है, टी बहन है किसकी, क्यू की, समझ में आया। क्यू और एम, क्यू और एम के बीच में आप देख सकते हैं चिन्ह, तो क्यू और एम का मतलब है क्यू एम की पुत्री है, ये पुत्री है, क्यू किसकी, एम की। एम का जी से क्या संबंध है, तो ये एम का जी से क्या संबंध हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इन ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, पति, तो एम क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी पत्नी, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऊपर वाली पीढ़ी में चले गए पति पत्नी, और ये यहां पर नीचे वाली पीढ़ी में आ गई, तो यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसमें दिया गया है ए डॉलर बी का मतलब हुआ ए बी की माँ है, ए एट द, ये यहां पर हैज दे रखा है, यानी ए हैज बी का मतलब हुआ ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का मतलब हुआ ए बी का पति है, ए यहां पर जो परसेंटेज वाला चिन्ह है इसका मतलब हुआ ए बी की पुत्री है। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर देखो पी और क्यू, इस पी और क्यू के बीच में एट द रेट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी क्यू का क्या है, तो ये यहां पर ये चिन्ह यहां पर देख रहे हो आप, पी क्यू का मतलब है कि
पी क्यू का पति है, तो पी है वो पति है किसका, क्यू का, समझ गए। अब देखो अगला, क्यू और एम के बीच में ये डॉलर का चिन्ह है, यानी कि क्यू एम की माँ है, क्यू ये माँ है किसकी, एम की, ये एम की माँ है, तो ये एम है, एम की माँ कौन है, क्यू है, तो क्यू ऊपर वाली पीढ़ी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप पीढ़ियों का विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला देखते हैं एम और टी के बीच में ये जो हेज का है, यानी एम टी, यानी एम टी का पिता है, एम एम ये पिता किसका है, टी का, ये टी, ये टी का पिता है एम, ठीक है। तो ये नीचे वाली पीढ़ी में चला जाएगा, बेटा या बेटी जो भी होगी, और ये ऊपर वाली पीढ़ी में। अब यहां पर देखो पूछा क्या गया है कि पी का टी से संबंध क्या है, इस पी का इस टी से संबंध क्या पूछा गया। ये देखो इस टी का ये पिता एम है, इस एम की माता क्यू है, और ये इसका क्या है, पति है। तो देखो क्यू क्यू है, मैं मान लो क्यू हूं, मेरी जो बेटी है वो कौन है, एम है, उस एम का जो बेटा या बेटी है वो कौन है, टी है। तो इसका मतलब तीन पीढ़ियां हो गई, ये इसके पिता हो गए, और ये इसके क्या हो गए, दादी और दादा हो गए, ये दोनों दादी और दादा हो गए, ये पिता वाली पीढ़ी हो गई, एम पिता हो गए, और ये दादा दादी हो गए। तो इसका संबंध किससे हुआ, टी, तो पी क्या पुरुष है, तो ये दादा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी का टी से संबंध क्या हो जाएगा, दादा, पी क्या है, दादा है भाई, तो दादा बिल्कुल दादा दादा ही होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक चीज है, कोई बड़ी चीज है नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है, आपके सामने आ चुका है, इसमें आपको बताना है एफ का एच से क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो एफ एट द रेट डी, ये आपको दे रखा है पहला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ डी का पति है, एफ है वो पति है डी का, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इन दोनों की बात करें तो ये यहां पर चिन्ह है, तो इसका मतलब हुआ कि डी के की पुत्री है, डी ये डी, ये डी किसकी पुत्री है, इस के की, इस के की पुत्री है। अगला देखते हैं इन दोनों के बीच में के और एच, तो ए और बी इन दोनों के बीच में चिन्ह है, यानी के यहां पर के रख लेता हूं, यहां पर एच रख लेता हूं, तो के एच का पिता है, के वो एच का पिता है, तो एच नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा, ये पिता हो गया। अब यहां पर देखो ये हो गया, इसमें एफ का एच से क्या संबंध है, इस एफ का इस एच से क्या संबंध है, बताओ देगा राइट आंसर, बताओ देगा एफ का, ये देखो ये इसका क्या है, ये दोनों एफ का डी से क्या संबंध है, पहले ये देखो एफ का डी से, यानी कि ये क्या है, पति है, पति पत्नी का दोनों का संबंध है, और ये इसका क्या हो गया, पिता हो गया, और एच एच का के से क्या संबंध हुआ, एच का के से हुआ पिता, ये पिता हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, तो इन दोनों का संबंध पूछा गया। आप प्रश्न को खुद भी ऊपर ले, एच एफ ये इसकी क्या है, ये इसका ससुर है, ससुर की ये क्या है, एच पिता, यानी ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यानी ससुर की बेटी या बेटा क्या हो जाएगा, या तो साला होगा या साली होगी, क्या होगी, तो यहां पर एफ का संबंध क्या होगा, तो एफ जीजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीजा, एफ यहां पर क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा एच के, समझ सकते हो आप, बिल्कुल। तो ये हमने रक्त परीक्षण वाला जो टॉपिक है वो कवर किया, और यदि आपको कोई समझ में नहीं है तो आपके पास जो बुक होगी उसमें से आप 5-10 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ले, बिल्कुल कोई ज्यादा हाई लेवल का प्रश्न आता नहीं एग्जाम में, आपके अच्छे ढंग से समझ में हो जाएगा, ये टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो चुका है लगभग। और यदि कुछ बचा है तो हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, या अपना एप्लीकेशन है वहां पर, और भी हम डाल देंगे यहाँ पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।